ये रही वाहिद हमारे रूम में एंट्रेंस, और ये था हमारा रूम। अल्हम्दुलिल्लाह नाइट बहुत अच्छी यहाँ पे गुजरी। इंडोर होने की वजह से मच्छर कोई नहीं था, दरिया के साथ होने की वजह से मौसम बहुत खुशगवार था। कैसी रही मेमोरी का आपको? और अब निकलते हैं थोड़ा सा बाहर। आवाज़ आपको आ रही होगी कोयल की, बड़ी खूबसूरत सी। साथ दरिया की ज़्यादा आ रही है। दरिया की ज़्यादा आ रही है, तो चलते हैं और देखते हैं बाहर के कुछ मनाजर और आपके साथ शेयर करते हैं। और हमारी ये सुबह है कौन से गांव में, कहूटी नहीं क्या नाम था इसका, बताते हैं अभी आपको, क्योंकि नाम इसका जो है ना थोड़ा सा मुश्किल है। रात में तब बड़ा मुश्किल से याद करके बताया था, मगर थोड़ी देर में दोबारा शेयर करता हूँ। ये हल्के हल्के कीड़े थे, फ्रेंडली, जिन्होंने डिस्टर्ब तो नहीं किया। ये रहा हमारा कैंप, एहसन और असद यहाँ पे लेटे हुए थे। अल्लाह अकबर, वो वहाँ से सूरज निकलने वाला कुछ ही देर में निकल जाएगा, उस तरफ रोशनी ज़्यादा महसूस हो रही होगी आपको। और चोटियाँ जो हैं हर साइड पे बहुत ऊँची ऊँची हैं यहाँ। आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मंजर बहुत खूबसूरत है। वो सामने हमारे कैंप लगे हुए थे और ये बिल्कुल साथ ही थे, लेकिन रात को अंधेरा होने की वजह से चेक नहीं कर पाए इस जगह को। और अब पता चल रहा है कि ये काफ़ी अच्छे मकसद के लिए जो है वो लगाया गया। दरिया से दूर से तो दरिया की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आई थी, जैसे जैसे करीब जा रहे हैं आप थोड़ी सी आवाज़ एक दफ़ा कम हुई है। ये शायद हम डाउन लेवल पे जा रहे हैं इसलिए। ये देखें यहाँ पे आवाज़ इसकी बिल्कुल बंद हो रही है। और कम हो गई है और यहाँ पे आवाज़ दरिया की बिल्कुल ख़त्म हो गई। इसमें क्या स्ट्रेटेजी है ये कुछ कह नहीं सकते। मेरे ख्याल में ये शायद हमारा जो लेवल है उसका, मतलब ग्राउंड लेवल डाउन होने की वजह से उसकी आवाज़ कम हो गई है और दरिया हमारे बहुत करीब। नींद अभी तक पूरी नहीं हुई ठीक तरह से, यानी बड़ी अच्छी नींद आई थी, लेकिन फिर भी दिल चाह रहा था कि और सो लें। लेकिन सुबह सुबह के जो मनाजर थे वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। चलते हैं ठंडे ठंडे पानी के साथ मुँह धोते हैं। और इस एरिया में दरिया और बड़े चश्मे जो हैं उनके करीब आपको एक चीज़ बहुत नज़र आएगी, जैसे कि ये एक आपको हल्का सा कट नज़र आएगा जिससे पत्थरों के साथ जो है वो दोनों साइडों से डायरेक्शन दी गई है, दोनों साइडों से डायरेक्शन दी गई है। इसी तरह वो आगे और वो आगे इन लेयर्स में, और पानी एक दफ़ा यहाँ पे आता है। अगर पानी कभी खुदा ना खासा ज़्यादा इसका लेवल होता है तो पानी इस एरिया में आता है, और पानी जब कम होता है तो जहाँ से रेत जो है वो इकट्ठी करके उसका जो है वो अपने इस्तेमाल में लाई जाती है या मार्केट में बेची जाती है, तो इसको एज अ प्रोफेशन भी लोग यूज़ करते हैं। और वो देखे जाते अगर इस तरह रेत इकट्ठी की जाती है तो ये उन्होंने अपना हट बनाया हुआ है जहाँ पे वो
उसकी केयर करते हैं और वहाँ से सप्लाई करते हैं। ये एक बिज़नेस स्ट्रेटजी थी यहाँ पे, बिज़नेस और रोज़गार के लिए इंसान जो है वो हमेशा से कुछ ना कुछ करता है और कुछ करना भी चाहिए। बस ये देखें यहाँ पर रेत इकट्ठी हुई, रेत को उठा के एक जगह पे जमा कर लेंगे और फिर यहाँ से गाड़ियों में लोड करके बेच दी जाएगी। और मज़े की बात ये कि मैं सिर्फ अपने लिए जो है अपने साथ शूज़ पहन के आया हूँ, जो वही रखा हुआ, कोई एक्स्ट्रा जूता नहीं रखा हुआ अपना वज़न कम से कम रखने के लिए। पानी का बहाव बहुत ही तेज़ है यहाँ पे, और ठंड और ठंडा भी बहुत है। अब हम धोएंगे मुँह। ये देखें मुझे यहाँ से क्या मिला, इस तरह का सफेद पत्थर मैंने भी कभी नहीं देखा। आपने कभी देखा तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा था, और दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाह रहा था कि अभी मौत होते हुए जैसे मेरा पाँव स्लिप हुआ पत्थर से, मैं बिल्कुल किनारे पे था लेकिन फिर भी पाँव स्लिप होने की वजह से गिर गया। यहाँ पे दरिया के किनारे किसी भी पत्थर के ऊपर इस तरह एतबार करना कि आपको सपोर्ट देगा, आपका पाँव स्लिप नहीं होगा या आप इस तरह गिरेंगे नहीं, ये बहुत बड़ा बहुत बड़ी गलती है। और इस तरह की गलती इस तरह के पानी के करीब, बल्कि किसी भी पानी के करीब जो गहरा हो या जो आपके कंट्रोल से बाहर हो उसमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। इस रिस्क की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको, आपके अजीजों। तो मुँह धो लिया हमने और अब चलते हैं वापस अपने कैंप्स की तरफ। पानी पानी बहुत ठंडा था और जिस्म जो है वो एक दफ़ा फ्रेश होने के साथ साथ काम पे रहा है। सही हो गया, चाय चाय पिलावा। बहुत शुक्रिया सर, आपने पूछ लिया यही हमारे लिए काफ़ी है। नहीं नहीं हो गया बस। यहाँ पे जो माशाल्लाह अखलाकियात है ना लोगों के, वो देख रहे हैं हम तो, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, मतलब लोगों के साथ बातचीत का, लोगों के बर्ताव का, मतलब बाहर से आने वालों को इस तरह फील ही नहीं होता कि वो मतलब इतनी दूर आए हुए अपने घरों से। बहुत प्यार से लोग बोलते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। और ये जो फसल लगी हुई है ये एक नर्सरी टाइप बनाया गया यहाँ पे, गवर्नमेंट की जानिब से ये इंतज़ाम है। यहाँ पे किकर की एक फसल बता रहे हैं यहाँ पे जो हजरात काम कर रहे हैं कि लैंडस्लाइडिंग वाले जो एरियाज़ हैं जहाँ से लैंडस्लाइडिंग ज़्यादा होती है या होने के खतरे हैं, खतरात हैं, वहाँ पे इस चीज़ को काश्त किया जाएगा जो कि मतलब लैंडस्लाइडिंग की जो है उसको कम से कम मतलब उसको रोकने में जो है वो कारगर साबित होगी। और अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की जानिब से अपनी इस नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने का।